राजनीति में बनते बिगड़ते समीकरणों का अपना एक मायने होता है। उसी अर्थपूर्ण समीकरण के कारण बीजेपी में बिहार में जो 17 उम्मीदवारों का चयन किया गया है, उसमें जीतने वाले उम्मीदवारों को पीछे कर दिया गया है और हारने वाले उम्मीदवारों पर दांव लगाया गया है। ये दांव वैसे उम्मीदवारों पर भी लगाया गया है जो विधानसभा चुनाव में भी हार चुके थे। इन्हीं सब बिंदुओं पर हम अपने सहयोगी आशुतोष मिश्रा के पास चलते हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर बीजेपी किस समीकरण के तहत बेचारे हारने लाल वाले पर दांव लगाई है और घाटी में जो भाई हमारा हस्बैंड है सब जीतने वाले को पीछे करते हैं आज तो। देखिए, राजनीति भी बड़ी अजब गजब चीज है। मतलब हमेशा कुछ न कुछ यहाँ पे नया देखने को मिलता है, या उम्मीदों से इतर, एक्सपेक्टेशन से विपरीत चीजें होती है। विडम्बना कहें, दुर्भाग्य कहें, या अच्छी बात कहें, या दिलचस्प कहें, फैक्ट यही है कि सच में बीजेपी ने बिहार में जिन 17 प्रत्याशियों की सूची कल जारी की है और जिन जिन को उम्मीदवार बनाया है, उनमें से कई ऐसे उम्मीदवार भी बने हैं जो कि हार चुके हैं, लेकिन बीजेपी ने उन पर भरोसा दिखाया है। और कई ऐसे नेता हैं जो बड़े बड़े कद पर हैं, बड़े बड़े पोजीशन पर हैं, लेकिन वो जीते हुए हैं, लगातार जीतते आ रहे हैं। कोई हैट्रिक बनाने वाला है, कोई चौथी पांचवी बार जीतने वाला है, लेकिन उनको टिकट से वंचित कर दिया गया है। तो हम मुजफ्फरपुर की बात कर चुके हैं पहले ही कि मुजफ्फरपुर में किस तरीके से अजय निषाद, जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में भारी वोटों से हराया था डॉक्टर राजभूषण चौधरी को, तब राजभूषण चौधरी वीआईपी के उम्मीदवार हुआ करते थे, लेकिन बीजेपी ने उसी डॉक्टर राजभूषण चौधरी को उम्मीदवार बना दिया उसी मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र से, जहां से अजय निषाद सांसद थे और उनका टिकट काट दिया। वैसे ही बक्सर की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। बक्सर में अश्वनी चौबे 5 बार के विधायक रह चुके हैं भागलपुर के। उसके बाद 2014 और 2019 में लगातार उन्होंने बड़े मार्जिन से आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और मजबूत नेता हैं जगदानंद सिंह, उनको शिकस्त दी। हैट्रिक बनाने का मौका था। 2017 में वो केंद्रीय मंत्री भी बनाए गए, वो लगातार क्षेत्र में लगे हुए थे, लेकिन उनका टिकट कट गया। अब सब लोग अपने अपने तरीके से आकलन कर रहे हैं कि क्यों कटा। कोई कह रहा है कि इंटरनल सर्वे में उनका उनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं आई, लोगों के बीच में नाराजगी थी, बाहरी उम्मीदवार थे, बहुत तरह की बातें सामने आ रही है। लेकिन कुछ भी मतलब ऑथेंटिक कहा जाए, ये नहीं कहा जा सकता है कि इसी वजह से उनका टिकट कटा है। हाँ, एक उम्र का पैमाना हो सकता है जिस पर बीजेपी काम करती रही है, लेकिन अगर वही पैमाना था तो फिर राधा मोहन सिंह का क्यों नहीं कटा, वही पैमाना था तो फिर गिरिराज सिंह को क्यों रिपीट किया गया, आर के सिंह है, बहुत लोग हैं जिनको रिपीट किया गया, रविशंकर प्रसाद है जिनको रिपीट किया गया, तो सिर्फ कुर्बानी देने के नाम पर बाबा क्यों क्यों, अश्विनी चौबे क्यों क्यों, कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन हम उन सवालों से ज्यादा बढ़ के ये बताना चाहते हैं कि वहां पर जो उम्मीदवार बने हैं मिथिलेश तिवारी, असल में वो है क्या, यूथ है, एक मतलब एक बुजुर्ग पर, एक अनुभव पर नया फेस हावी हुआ है, क्यों हुआ है, और वो भी तब जब 2020 के विधानसभा चुनाव में वो शिकस्त खा चुके हैं। जो विधानसभा चुनाव में शिकस्त खाया हुआ है वो लोकसभा चुनाव लड़ाने जा रही है बीजेपी, ये भी कम दिलचस्प नहीं। वो हाँ, बुरी तरह आ रहे थे। बिल्कुल। तो देखिए, बैकुंठपुर के विधायक है, रह चुके हैं मिथिलेश तिवारी, फिलहाल प्रदेश महासचिव हैं बीजेपी में, और संगठन में महामंत्री का पद भी है। महामंत्री का पद बीजेपी में बड़ा पद माना जाता है, बड़ा होदा माना जाता है, और सबको नहीं मिलता है, जिसको मिल जाता है वो उसका कद काठी बढ़ जाता है वहां पर बीजेपी में। तो तेज तर्रार माने जाते हैं, युवा चेहरा है, ब्राह्मण का नया फेस उभरते हुए नजर आ रहे हैं वो, कई संगठन भी चलाते हैं, सामाजिक सेवा से भी जुड़े रहते हैं, अपने समाज के लोगों के बीच में लगातार एक्टिव भी रहते हैं, उनकी समस्याओं का निष्पादन भी करते हैं। सिर्फ गोपालगंज तक की सीमित नहीं है, गोपालगंज जिले के रहने वाले, लेकिन पूरे बिहार में वो भ्रमण करते रहते हैं, अलग अलग कार्यक्रम में शामिल होते रहते हैं।
2015 में पहली बार उन्होंने चुनाव जीता था, तब जब बीजेपी को महज 53 सीट मिले थी, मतलब उस जब नीतीश कुमार और लालू यादव साथ में चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस भी साथ में लड़ी थी, उस विपरीत माहौल में पहली बार उन्होंने बैकुंठपुर में कमल खिलाया। लेकिन जब परिस्थिति अनुकूल थी 2020 में, तब उनके लिए प्रतिकूल रिजल्ट आया, यानी कि उन्हें हार का सामना करना पड़ा बैकुंठपुर से। उसके बाद से लगातार संगठन में ही वो काम में एक्टिव रहे, और संगठन में काम करने का ही कहा जा रहा है कि उनको रिवार्ड मिला है, और इतना बड़ा रिवार्ड मिला है जिसकी उम्मीद शायद उन्होंने नहीं की होगी कि अश्विनी चौबे जैसे दिग्गज का टिकट काट करके उनको वहां से उम्मीदवार बनाया जाएगा। अब मिथिलेश तिवारी लगातार क्षेत्र में घूमना शुरू कर दिया, जैसे ही होली इनकी अच्छी खासी मनेगी, हालांकि अश्विनी चौबे की होली अब मायूसी भरी रहेगी, उनके समर्थकों में निराशा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर भी जो पैमाना काम किया है, संगठन में काम करने वालों को ज्यादा इम्पोर्टेंस बीजेपी देती हुई नजर आ रही है, और जिन लोगों को कहा जा रहा है कि टिकट कटने की के चांसेस थे, जिन लोगों टिकट दिया गया है, खबर ये आ रही है कि बीजेपी ने उन्हें साफ साफ कह दिया है कि आपका आखिरी टर्म है, इसके बाद हम किसी की भी नहीं सुनने जा रहे हैं, अंतिम मौका है, बड़े मार्जिन से जीत चढ़ाइए और जो पुरानी गलतियां हो उसको ठीक कीजिए, और दोगुने उत्साह के साथ इस बार के 2024 से 2029 तक का जो कार्यकाल है उस दौरान प्रूफ करके दिखाइए। तो ये बक्सर का गणित रहा, बक्सर में जिनका टिकट कटा और जिनको मिला उसके बारे में हम लोग बता रहे थे। पाठक जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।